बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबियीन व अला अलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम अपने यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत फोरम के ऊपर हाजिर है। आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं जनाब फरहान साहब, जो कि एक्स कादियानी हैं, यानी साबका कादियानी और नौ मुस्लिम हैं। तो कादियानियत के अंदर जब ये रहे, इनके साथ क्या सलूक हुआ, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इनको इस्लाम की तरफ गामजन किया और इस्लाम में आने की अल्लाह पाक ने इनको तौफीक मरहमत फरमाई, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इनसे। और मज़ीद कादियानियत का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, किन बुनियादों के ऊपर खड़ा है, इनका तरीक़ा वारदात क्या है, इनका जो खिलाफत का निज़ाम है, चंदे का जो निज़ाम है, लूट खसूट का जो निज़ाम है, और ये क्या है सारा, ये सब कुछ जानेंगे आज हम इस इंटरव्यू के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फरहान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाबे मोहतरम, क्या हाल है जनाब? से ठीक है सर? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। फरहान साहब, मैं गुफ्तगू तो कम ही करूंगा, ज्यादा गुफ्तगू तो आप ही करेंगे। थोड़ा सा अपना आप नाम बता दें, अपना साबका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह बता दें, इसके बाद फिर आगे बात शुरू करते हैं। जी, नाम मेरा फरहान अहमद सुहेल मुगल, जो शनाख्ती कार्ड पे पहले मिर्ज़ा लिखा हुआ था, मैंने मिर्ज़ा कटवा दिया बीच में से। और जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मेरा नानका जो है वो रबवे का है, ख़ास रबवा है, रबवा के अंदर एक अहमदनगर इनका इलाका है, उसमें मेरा नानका वहाँ पे सारा है। और मैं अभी भी जो आया हूँ किसी के घर, तो वो कादियानी हैं घर, जिनको मैं तबलीग के लिए एज ए तबलीग, मेरी वालदा और मैं दोनों यहाँ पर आए हैं। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये मेरे मामू का घर है और ये मेरे नाना की तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, शायद ये उन, और ये मेरा जो मामूजाद भाई है उसकी, और ये देख रहे हैं आप कि ये उस लांती की तस्वीर भी लगी हुई है इधर, ये आपने लांती की तस्वीर भी देख ली। और मेरे नाना जो है ये इनमें उन 313 लोगों में शामिल थे जिसमें इमरान का नाना भी शामिल था। इमरान का नाना भी, ये आप गौर से सुन लें कि इमरान खान जो वजीर आजम पाकिस्तान है, उसका नाना भी उन 313 लोगों में शामिल था जिसको इस लांती दज्जाल कादियानी ने अपना नाम निहाद बद्री 313 सहाबी कहा था, नाउज बिल्ला मिन जालिक, नाउज बिल्ला मिन जालिक। तो मुझसे असल में मेरी शुरू से आदत थी कि मैं घर में भी अपने जो है ना, मैं ना इंसाफी जरा सी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो इसी बात पे मेरी जरा थोड़ी सी एक बहस हो गई, एक मुरब्बी था इनका, ये 2002 की बात है, सन 2002 की। तो मुरब्बी खैर मैं भी था उस वक्त, और मैं नाज़िम आला भी था डिफेंस का, कराची डिफेंस का, जहाँ पे इनका नाम निहाद वाइट हाउस भी मौजूद है, शायद आपको बहुत से लोग जानते भी होंगे, अगर कोई कराची यहाँ से है तो वो जानता भी होगा, ख्याबान तौहीद और ख्याबान तमसील के बिल्कुल कॉर्नर पे जो वाइट इमारत है, दोनों ख्याबान के कॉर्नर पे वो इनकी वाइट हाउस और इनकी इबादत गाह है कराची में सबसे बड़ी। तो इनसे मेरा सिर्फ बात इतनी थी कि जी आप लोग कहते हैं, मैंने आपके कई मुरब्बियों को कहते हुए सुना है कि हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और हमारे दिल में अहमद होता है। चले अहमद भी मान लिया कि अहमद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, लेकिन गुलाम अहमद होता है, गुलाम अहमद तो बनता नहीं है ना। गुलाम एक गुलामी में जो बंदा आ रहा है उसको आप मालिक की जगह पे रख के तो सोच भी नहीं सकते। अब जो गुलाम है वो तो गुलाम रहेगा और जो मालिक है वो मालिक रहेगा,
और गुलाम अहमद के तो कई ऐसे भी नजरियात हैं जिसमें उसने कहा है जी कि तुम अभी तक उस हुसैन को ढूंढते हो कि जो दुश्मनों का मिसला था, तो मुझे छोड़ते हो जो मैं अल्लाह का मिसला हूँ। और लफज कहे हैं इसने कि भाई क्या नाम है, जिसने देखना हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक अकमल, वो देखिए कादिया में आकर। ये इसके अपने हैं लफ्ज का मिर्जा साहब के। मैं तो साहब भी नहीं कहता, मैं मिर्जा कहता हूँ खाली। साहब कहलाने के तो ये हकदार ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन करे या किसी भी नबी की तोहीन करे, वो हमारे लिए कुछ भी माने नहीं रखता। उससे ज्यादा बेहतर हमारे गली में फिरने वाला कुत्ता है। तो उस पे बात बहस हो गई कि ये कलमा का किस तरह हम कर सकते हैं। तो वो कहते हैं जी नहीं, हम दिल में वो रखते हैं, हमें कलमा चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये तो मुनाफ्त हुई। तो कहते हैं मुनाफ्त तुम समझते हो, तो फिर तुम्हारे दिल पे जो है ना ऐसा ऐसा मोहर लग रही है, तुम गुमराह हो रहे हो, लोगों के साथ बैठते हो। हालांकि उससे पहले मैं दो बंदे, अब मुझे हंसी आती है इस पे, कहते हैं मैं दो बंदे अहमदी कर चुका था, और फिर उनको मैंने बाद में तबलीग करके मैं उनको बाद में वापस भी लेकर गया। इसी बात पे सिर्फ इनसे मेरा टकराव हुआ था, और इसी बात से मैंने इनको कहा था कि भाई मैं ये मुनाफ़कत मैं नहीं करता। मेरे तो मुंह में भी अगर मोहम्मद है तो दिल में भी मोहम्मद है। मैं कलमा पढ़ता हूँ तो मोहम्मद का पढ़ता हूँ, मैं कलमा ये नहीं पढ़ता। तो मेरी वालदा भी इस बात को सुन के तो बहुत परेशान हुई कि अगर हम अहमद पढ़ रहे हैं अब तक, तो फिर तो हम काफिर हैं। तो मेरी वालदा ने भी फौरन रजू किया और हमने कलमा पिया पढ़ा, और वाले साहब नहीं हुए, वो अभी भी रबुआ में रह रहे हैं। तो हम बहन भाई सारे और मेरी वालदा, हम लोग इस एक बात पर, हालांकि उससे पहले कोई हमारा कोई ना इनसे कोई झगड़ा था, ना कोई मसला था, ना कोई और बात थी, सिर्फ इस बात को हमारा जहन एक्सेप्ट नहीं कर सका, हमारा दिल नहीं मान सका कि हम जिसका कलमा पढ़ रहे हैं वो दिल में किसी और को रखें। तो इस वजह से बस हम लोग अहमदियत को छोड़ के तायब हुए और मुस्लिम हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा सारा खानदान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। यानी कि हमारा, मेरे वालिद वालिद को छोड़ के बाकी हमारे घर के सब तक, बल्कि मेरी वाइफ भी नहीं हुई और वो भी वापस चली गई उधर ही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, बड़े इत्तेफाक की बात है फरहान साहब, आपसे रब्ता तो मेरा आज हुआ है, लेकिन आपने जब कहा जी स्ट्रीम यार्ड मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, तो मेरी वालदा के नंबर आपने दिया, तो आपने कहा कि उनके ऊपर मुझे मैसेज करें। तो बड़े इत्तेफाक की बात है कि जिनका नंबर आपने सेंड किया, वो नाम तो मैं नहीं बुलाता, यहाँ पे सेफ है और एक कर से का सेफ है, और ठीक है, वो साथ मेरी लिखा हुआ फॉल्ट है। एक्स का यानी, जी 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 एक्स जी का यानी, एक्स का यानी, तो वो आगे साहिबा उनका नाम लिखा हुआ है। तो आपकी वालदा तो जी माशाल्लाह बड़े अरसे की मुझे मुझसे रब्ते में है, और अच्छा ठीक हो गया, जजाकल। अच्छा, आपने जो बातें की हैं इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करता हूँ, और इसके बाद फिर आपसे हम जुड़ते हैं। एक तो जो मरकजी चीज जिसकी वजह से आपने इस्लाम कबूल किया, वो ये कि आपने कादियानियों की ये मुनाफ़कत है कि ये मिर्ज़े गुलाम कादियानी को अंदर खाने मोहम्मद ही समझते हैं और अहमद समझते हैं, लेकिन लोगों को ये बताते हैं कि देखो जी हम कलमा तो मुसलमानों जैसे ही पढ़ती हैं। जी इसी बिल्कुल वजह से ये जब तकरीर करते हैं तो आगे ये लिख के भी लगाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखो जी हमने भी कलमा ये लिखा हुआ है। हाँ जी, तकरीरें, मतलब बिल्कुल हाँ, मतलब ये कि हम भी मुसलमान ही होते हैं जी, हैं। जी तो मैंने इसके ऊपर मुकम्मल किताब लिखी है फरहान साहब, कादियानी कलमा इसका नाम रखा है। इसके बिल्कुल किताब के अगर आखिर में आप जाएं तो ये कादियानी किताबों के असल स्कैन, असल हवाला जात, ये आपको सारे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। जी जी नजर आ रहे हैं बिल्कुल जी। इसके अंदर साबित क्या किया गया है? साबित ये किया गया, 100 से ज्यादा हवाले दिए गए हैं लगभग, जिससे साबित ये किया गया है कि मिर्जा गुलाम कादियानी अपने आप को मोहम्मद समझता था। और मोहम्मद कौन सा? मोहम्मद भी वो वाला मोहम्मद के मिर्जे कादियानी के अकीदे के मुताबिक दो मोहम्मद
यानी मोहम्मद एक है, उसने दो दफा दुनिया में आना है। मोहम्मद एक पहले है, से बढ़कर, उसके अकीदे के मुताबिक पहले से बढ़कर है ये, नऊज बिल्ला मिन जालिक, ये ये पहले से अकीदा बढ़कर है। देखिए, अकीदा जरा देखिए। अगर तो जी आपको पहले नहीं पता था तो दोबारा पता मैं करा देता हूं, मैं दोबारा बता देता हूं, नहीं पता था तो दोबारा पता बता देता हूं, और वो सारे हवाले यहां मौजूद हैं। अगर कोई भी बिल्कुल हमसे बिल्कुल मुतालबा करे या पूछे कि भाई ये मुबशर शाह तुम झूठ बोल रहे हो, हम हवाला देने को तैयार है, अभी 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 बिल्कुल मरजइयों ठीक की है। किताबें खोल के दिखाने के लिए तैयार हैं। मरजइयों की वेबसाइट के ऊपर वो किताबें अभी भी रखी हुई। मरजई अकीदे के मुताबिक शख्सियत एक है, जी दो दफा उसने पैदा होना है। एक जी दफा वो जी पैदा बिल्कुल हुए 1400 साल पहले मक्के में, मदीने में जी वो हस्ती मदफून होते हैं, और 1400 साल के बाद दोबारा उनका जन्म होता है जी कादियान के अंदर। ये जी है बिल्कुल कादियानी अकीदा, यानी मिर्जा गुलाम कादियानी, गंदी शक्ल वाला, खंजीर की शक्ल वाला, खंजीर की शर्मगाह की बूथनी वाला। हाँ जी, वो कहता है कि मैं ही मोहम्मद हूं, मैं दोबारा आया हूं दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल यही यही लफ्ज, सेम सेम यही लफ्ज लिखे हुए उसने। जनाब जो ये तफसीरें पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाते हैं जी कादियानी, ये देखो बड़ी तफसीरें हमने लिखी हैं, बड़ी कुरान के तर्जुमे लिखे हैं, ठीक है, ये देखिए ये कादियानियों के तर्जुमे और तफसीरें हैं। ये वाला कुरान कौन सा कुरान है? ये वो ये कुरान सर है, ये ये अल्लाह आपका भला करे, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक ठीक हो है गया। सर। ये आप कह रहे हैं, मैं जिनको तबलीग करने के लिए आया हूं, अगर उनको अभी आप मेरे सामने बैठा लें, किताबें भी इधर जी पड़ी हैं, बिल्कुल किताबें खोल के बिल्कुल मैं बिल्कुल बताता हूं, इनको कहें देखें, अगर हवाला गलत हो, जो चोर की सजा है वो हमारी सजा है, खुदा के लिए बिल्कुल आंखें जी खोलो अपनी, तुम्हारे दीन और ईमान का बेड़ा गर्क हो रहा है। ओए मर्जयो, मर जाओगे जन्नम में जाओगे कादियानियों। सर, इनको दो चीजें नहीं छोड़ती, दो चीजें जी जो हमें भी एहसास था कि ये दो चीजें हम पर बड़ी हावी हो जाएंगी, क्या? एक खानदानी असबियत, झूठी इज्जत वकार, और एक यहाँ की जो दौलत है वो, ये दो चीजें इनको नहीं छोड़ती। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों चीजों को छोड़ा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ऐसा कर दिया है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी किराए के मकान में नहीं बैठे, अपने घर में बैठे हैं, और 12 साल अच्छा, में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना मकान भी लिया है, सब कुछ के। आपने फरहान साहब, मैं अभी आपसे बात करनी है, मैं अपनी पिछली जी बात को, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उनके ऊपर तबसरा कर लूं, उसके बाद फिर आपसे तो बड़ी तफसीली बात करनी है ना। आपने कहा जी मिर्जे को मैं साहब नहीं कहता, तो मैं तो आपको ये कहूंगा मिर्जे को साहब कहना है, मिर्जे को साहब आपने कहना है। मिर्जे को साहब क्यों कहना है? मिर्जे को साहब इस वजह से आपने कहना है कि जनाब थोड़ा सा मुझे आप वक्त दे दें, तो ये मैं हवाले निकाल निकाल के ही साथ साथ दिखाता भी जाऊं, ताकि मजीद सुनने देखने वालों को भी किसी शक या शुबे की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। इंशाल्लाह मिर्जे गुलाम कादियानी ने लोगों को गालियां निकालनी शुरू की, कहानी सुनो, बिल्कुल वो गालियां निकालता है अपने हर ना मानने वाले को, वो कहता है कुत्ती के बच्चे, हरामजादे, दल्ली दे बच्चे, हाँ, रंडी दिए खंजीर, बच्चे, हैं हाँ खंजीर दिया खंजीर बच्चे, की औलाद, बेबान कमीने हराम दिया। की। हाँ, वो सारी जो लंबी चौड़ी गर्दान वो बोलता है, उसके बाद किसी ने उसको गिरेबान से पकड़ के पूछ लिया, और मिर्जे गुलाम कादियानी खंजीर, तो ऊपर से तूने दाढ़ी रखी है, ऊपर से तूने पग बांध दी है, लोगों को तू गालियां दे रहा है, तेरी मत तो नहीं बज गई? तो मिर्जा कादियानी मासूम आना चेहरा बना के पता है क्या कहता है? कहता है असल में ये मुझे गालियां निकालते हैं, तो वो गालियां मैं इनको वापस लुटाता हूं, बस ये छोटी सी बात है। वो जरा हवाला मुलाहजा कीजिए, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है जी ये आप हवाला, जनाब किताब का नाम है नजमुल हुदा, शैतानी खजाइन, जिल्द नंबर 14, सफा 80, मिर्जा गुलाम बिल्कुल कादियानी बिल्कुल अरबी के अंदर लिखता है, इन्नमा नरुद्दु सब्ब साबीन अला वजूहिहिम जजाअन लिल मुफ्तारियात।
और कहता है कि मैं गालियां इनको इस वजह से निकालता हूं कि और सिर्फ हम गाली देने वालों की गाली इनके मुंह की तरफ वापस करते हैं ता इनके इस तरह की पदाश हो। तो मैंने इसलिए आपको कहा कि मिर्जे को साहब कहें, ये साबीन, गाली देने वाले को साबीन साहब कहते हैं, गाली देने वाले को, सीन से, स्वाद से नहीं, सही सीन से। सीन से इसलिए साफ। मैं भी मिर्जे कादियानी को साहब कहता हूं, और जितने भी ये गाली गलोच लोग होते हैं इनको जानबूझ के मैं साहब कहता हूं कि ये मिर्जे गुलाम, बड़े मिर्जा, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी का ये वतीरा था कि वो अपने आप को भी साहब कहता है और अपने मुखालिफिन को भी वो साहब कहता है। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात गुलाम अहमद की। गुलाम अहमद, पहले तो ये जनाब, असल इसका नाम, इसका जो वालदेन ने इसका नाम रखा था वो था दसवंदी। ये सीरत उल महदी जो मिर्जे गुलाम कादियानी के बेटे ने किताब लिखी है उसके अंदर लिखा हुआ है, दसवंदी इसका नाम था। लेकिन जब इस ये बड़ा हुआ, बड़ा हुआ तो इसकी नीयत बदल गई कि अब मैंने कुछ करना है, कुछ कहानी पानी है इनके साथ। तो उसने फिर अपना नाम लोगों को मुतारफ करवाया गुलाम अहमद। ये तरीका है वारदात जनाब, बहुत से झूठे लोगों का ये रहा है। जैसा कि जवेद गांधी है, जवेद गांधी का बचपन में नाम शफीक अहमद था, बल्कि मोहम्मद शफीक, मोहम्मद शफीक था। उसने बड़ा होकर अपना नाम जवेद गांधी लोगों को मशहूर करवा दिया। ये ड्रामेबाजी होती है। महदी सोडानी, महदी सोडानी का असल नाम कुछ और था, बाद में उसने अपना नाम कुछ और मुतारफ करवाया। रियाज अहमद गोहरशाही, गोबरशाहियों का जो पेशवा है जिसने महदियत सर का मैं दावा आपको किया। एक बात बताऊं, आपकी मैं बात काट रहा हूं, 2 मिनट में आपकी बात काट रहा हूं। अभी तक इस बात के गवाह मौजूद हैं। मैं 2003-04 में, 2003 से पहले 2002 में मैं गया था एक दोस्त के साथ। इसके मरकज में रियाज अहमद गोहरशाही का मरकज था, क्या नाम है इसका, हाजी, पुराना हाजी कैंप कराची, जहां लकड़ मंडी है, वहां मैं गया था। तो वहां पे जब मैंने पहली बार इनको देखा तो मैंने बाहर आके उस लड़के को कहा, मैंने कहा यार 6 माह, साल, 2 साल, 3 साल, ये बंदा इमाम मेहदी होने का दावा कर देगा? कहता हो ही नहीं अच्छा सकता। और अच्छा 3 माह बाद वो बंदा मेरे पास आ गया, कहता फरहान भाई आप तो मेरा ख्याल वलीउल्ला है, आपको पता लग गया है। मैंने कहा यार पता नहीं लगता, पता इन लोगों की हरकतों से लग जाता है कि ये लोग अच्छा हरकतें क्या कर रहे हैं। अगर जरा सा दिमाग इस्तेमाल करे ना बंदा, तो जरा से दिमाग से पता लग जाता है कि ये बंदा जो हरकत कर रहा है इसने बाद में जाके क्या दावा करना है। आगे जाके इसी ये तरह हरकतें वो बता देती गुलाम है, यही बिल्कुल यही बात है, हरकतें हैं अहमद, बंदे गुलाम की बता कादियानी का देती भी हैं। पता तो लग गया था पहले, गुलाम मैं ये अर्ज कर रहा कादियानी हूं। का पता लगा था मिर्जा हकीम नूरुद्दीन को, और उसने कैश किया इस सबको। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे आप यकीन करें, ये बादशाह था, बादशाह घर पीछे था, हकीम नूरुद्दीन असल जो किरदार है ना इसमें, वो हकीम नूरुद्दीन था। हकीम नूरुद्दीन असल में वो जदजामे इश्क इसको बना बना के खिलाता था, ये हाँ, फीन, फीन ये वाला नुस्खा। असल वो बनाने वाला था हाँ, इसको। क्योंकि ये था नमर्द, मिर्जा सीनियर कादियानी था नमर्द। अब नुसरत जहां बिल्कुल। बेगम को चलाना भी तो था ना और किसी देखो ने, सर, नुसरत आप देख ले, मैं जहां आपको बेगम। बताता हूँ, अल्लाह ताला माफ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज है, एक झूठा हमारे नबी पर इतनी बोतान बांध रहा है, तो हम उस पे अच्छा, यानी कि सच्ची बात भी तो कर सकते हैं ना उसपे, चाहे बुरी भी हो, लेकिन सच्ची बात तो हम कर सकते हैं उस पे। आप मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की शक्ल देखें, आपको मिर्जा कादियानी की नहीं, हकीम नूरुद्दीन की नजर आएगी। नूरुद्दीन के बिल्कुल ऐसे ही है, यही है, यही ये रोल है, यही है ना कि ये तो अब मसला बना हुआ है ना कि अब इसको किसका बेटा कहा जाए। बशीरुद्दीन महमूद खुद वो नजरें फाड़ फाड़ के देख रहा है मर्दियों की तरफ कि मैं किसका बेटा हूँ, आया हकीम नूरुद्दीन का ये बेटा हूँ या कि मिर्जे कादियानी का बेटा हूँ। शक्ल इसकी देख रहे हैं, देख हकीम नूरे के साथ मिलती है। हाँ जी, तो रोला ये है कि मिर्जा कादियानी कहते हैं कि मुझे जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे एक अरसे तक यही था कि मैं मर्द हूं। अब ये इसको हकीम नूरुद्दीन इसको जदजमे इश्क फीम खिलाता रहा है, लेकिन वो मर्द फिर भी नहीं बना। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात गया। करके आपकी तरफ वापस आता हूँ। 313 की आपने बात की,
तो ये इस्लाम के मद्दे मुकाबल लाके एक मजहब खड़ा किया गया, लिबादा इस्लाम का जोड़ा। इन्होंने मुसलमानों बिल्कुल वाले खुदा को खुदा कहा, मुसलमानों वाले मोहम्मद को मोहम्मद एक बनाया, कुरान को अपनी किताब है, चीजें वही सारी, बुखारी बिल्कुल मुस्लिम को अपने खाते में डाल लिया। इसी तरीके से बद्री 313 सहाबा की नस्बत से मिर्जा कादियानी ने अपने 313 सहाबी बनाए नाउज अपने, बिल्ला क्योंकि मिन अभी जालिक, नाउज बिल्ला ये मिन फरमा रहे जालिक। थे कि इनके कोई हैं रिश्तेदार, वो भी 313 में शामिल है। अच्छा जी, तो अच्छा गुजारा ये है कि आपने अभी बताया कि मैं मुरब्बी भी रहा हूं, अब तो आप बड़ा कुछ बताएंगे हमें, ये मुरब्बी क्या इंशाल्लाह जी, कहानी है, बात मुरब्बियों सुने, की कहानी। जी इस्लाम इस्लाम के लिए मैंने आपको अभी अपनी बच्ची की तस्वीर सेंड की है, आपने देखी? वो जी 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 माशाल्लाह, मेरी बच्ची फोत हो गई है, बाबा अल्लाह जी की, बाबा जी आ, 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 क्या नाम है, खादिम अल्लाह हुसैन खादिम रिजवी हुसैन साहब रिजवी साहब, की, उनकी जुदाई वो चंद महीने बर्दाश्त नहीं कर सकी। भाई मैं उसको भाई कहता था बेटा अल्लाह मैं रोटी नहीं दूंगा अगर खादिम साहब की तकरीर सुननी है, तो वो रोटी को अल्लाह परे हाथ मार के तो कहती थी मैं तकरीर सुनूंगी पहले। तीन अकबर अल्लाह अकबर तीन घंटे वो बाबा जी की गोद में बैठी रही है फैजाबाद, और अल्लाह बाबा जी अकबर कहते थे कि फरहान ये बच्ची जो है ना ये 5 साल की नहीं है, इसको संभाल लो, इसको ले जाओ, इसको छुपा लो कहीं। अच्छा ये ना मैं वो तस्वीर भी जरा, ये वीडियो जरा जो आपने मुझे सेंड की है, एक दफा मैं लोगों को वो भी दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो फरहान भाई ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे सेंड की है, और भी चीजें सेंड की हैं, तो ये वीडियो जरा देख रहे हैं। ये बच्ची फोत हो गई है, और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का पूरा घराना ये आशिक है, सुनिए जी। अल्लाह अकबर ओ, असी असी वट जावांगे मर जावांगे हजूर तुहाडी निस्बत ते तुहाडे नाम दे उत्ते। हां जी तुहाडे नाम ते मर जाना है। हां जी बेशक जी, वो है बेशक। ना के आपके नाम के ऊपर सर कटाते हैं, तेरे नाम पे मर्दाना ने अरब, मर्दाने अरब तो आपके बेशक। नाम के ऊपर, नाम के ऊपर हजूर आपके नाम के, ये लामा खादम शाह रिजवी ने भी अपनी जान कुर्बान हमला कर दी, मुस्कान लोग दोनों बड़े खिंच रहे जाएगा। हैं। अच्छा जी बहरहाल आप अपनी गुफ्तगू आगे जारी रख सकते हैं। फरहान साहब आप मुरबियत के बारे में थोड़ा सा बताइए, और चंदे के सिस्टम के बारे में बताइए, ये किस तरीके से ये मामला चलता है इनका। इधर आओ, उधर सामने बैठो। ये जी मेरी उससे बड़ी बेटी है जो फोत हुई है, अल्लाह उससे बड़ी ये बेटी है, अल्लाह अल्लाह ये अल्लाह इससे बड़ी, सबसे बड़ी अल्लाह बेटी है सलामत रखे इनको, पूरे इनको पूरे घराने को आशिक बनाए जनाब, आशिक के साधक, इशक ही तो है हमारे पास, और है इनको क्या। अल्लाह अभी इनके मुकद्दर अच्छे करे, अल्लाह इनको हयाती अता फरमाए पूछो। जी। और आप सर इनसे अभी पूछें कि इनको अपनी जान प्यारी है या तहरीके लबैक प्यारी है, अल्लाह जी बेटा जान बताएं जी, बताओ। तहरीक-ए-लबैक अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लबैक हाँ लबैक बिल्कुल बिल्कुल या माशाल्लाह ऐसा ही है। अभी रबीउल अव्वल रसूल। शरीफ का महीना है मेरा बेटा, खूब दुरूद पाक पढ़ना है, और जश्न ईद मिलादुन नबी अच्छे तरीके से मनाना है, अपने घर में चिरागां भी करें, झंडा भी लगाएं जी, नमाज पढ़ा करें, अपने वालदैन का अदब किया करें, एहतराम किया करें मेरा बेटा, शाबाश शाबाश। हाँ जी अच्छा जी फरहान साहब तशरीफ लाएं जी। फरहान साहब आप उस बताएं जरा, आपने भी जाना है, आपने अभी बताया था, आप जल्दी जल्दी बता दें, मुरब्बी मुरब्बी पहले मुरब्बियत के बारे में बता दें, ये क्या, ये बड़े ड्रामेबाज होते हैं, एक ये एक्स मुरब्बी, एक्स का यानी एक्स मुरब्बी रबुवे के, उनका पिछले दिनों हमने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये लोंडेबाज होते हैं बहुत बड़े, और
यानी वो अभी बच्चे भी पास हैं, तो मैं आप समझ गए होंगे, तो उन्होंने जी सर, सबूत दिखा, तो इसके मैं बारे में सबूत आप क्या देता हूँ बताते हैं आपको बताएं हमें सर, भाई। मैं सबूत देता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ एक बात के। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों से मुशाबहत किसी भी काम में पसंद नहीं थी। अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा गलत हूं तो आप मुझे तसीह मेरी आप फरमा दीजिएगा कि कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक हदीस मैंने सुनी हुई है, उसका मुझे हवाला पूरा याद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि आप बाहर से तशरीफ लाए और बीबी आयशा को कुछ चीज पेश की खाने के लिए, तो बीबी आयशा ने कहा जी मैं रोजे में हूँ। आपने पूछा आपने कल रोजा रखा था यानी जुमेरात को, बीबी आयशा ने कहा नहीं। आपने पूछा आपने कल रोजा रखना है यानी हफ्ते को, तो बीबी आयशा ने कहा नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा तोड़ दो, जुम्मे अकेले का रोजा जो है वो यहूदियों की इबादत है, और किसी एक दिन को साथ मिलाओ, यानी कि अकेले जुम्मे का रोजा रखने से मना फरमाया गया है। क्या ये सही है? मेरे इल्म में नहीं है इस तरह की कोई मफहूम कुछ सुना है, तो ऐसा है कि जब डाउट हो ना तो फिर कह देते हैं कि मफहूम है हदीस पाक का, उसका हाँ, अभी ठीक है महफूम भाई। है। अच्छा, हाँ मफहूम, यानी कि बगैर मांग के सर, इस तरह बगैर मांग के ये कंघी करना, सीधी बगैर मांग के कंघी करना, ये भी मेरा ख्याल है मना है हमारे इस्लाम में। सेंटर मांग निकालना या एक आध मांग निकालना जरूरी है, सुनन से तल्लक रखती है, सुनते हैं यानी ये सुनते हैं, तो असल सेंटर चीजें मांग सुनना तो पड़ना। ये सुनन। अच्छा, जी अब यानी कि ये तो बात हमें पक्का पता है ना कि यहूदियों से मुशाबहत इस्लाम में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद थी, बिल्कुल ऐसा ही यहूदियों है। से मुशाबहत किसी चीज में वो नहीं जी, चाहते थे। ठीक जो जिस कौम से है, हाँ। मोहब्बत प्यार रखेगा वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा, उसका अशर उसी के साथ होगा। अब ये आप देखें कि ये शायद हमारे कई मुसलमानों को पता नहीं होगा कि ये सुन यहूदी ले जरा, एक मिनट अपने सुन ले जरा, एक मिनट सुन लीजिएगा, ये कादियानी मरजई का कमेंट है जी। कुरान और हदीस से पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम अहमद भी था, बिल्कुल ठीक है। चुनाचे हजरत बानिये जमात अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का असल नाम अहमद ही है, ये सुन ले जी। लानत है तुम सर, लोगों के मुझे ये समझ ऊपर। नहीं आती। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, मुझे टाइम दे देना। लानत, अभी आओ मेरे साथ, आओ इधर सामने आओ। है? वो तो सीरतुल माजी के अंदर लिखा, उसका नाम दसवंदी था, दसवंदी उसका नाम था। हाँ जी, गुलामे अहमद तो बाद में उसमें, अच्छा गुलामे अहमद अहमद कैसे बन गया है? गुलामे अहमद वो ना, तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि गुलाम गुलाम और अहमद दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक अहमक है, अहमक था, अहमक अहमक दुनिया का अहमक आजम था मिर्जा जाहिर खलील। बात है सर, जिसके जेब में एक ईंट पड़ी रहे 2 दिन, पसलियों में दर्द हो, हकीम के पास जाए और हकीम उसको बताए तुम्हारी जेब में ईंट है, तो उसको याद आया जी ये बशीर ने मेरी जेब में डाल दी थी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल जिसकी सर, जेब में ईंट ईंट पत्थर नहीं कहा गया, ये इनकी किताबें पढ़े, सीरत मेहदी में लिखा हुआ है ईंट है। अच्छा ये मुझे तरह मुरब्बी के बारे में आप फरमा रहे थे, ये क्या ये हाँ, जो अपने बाप का क्या ये खालस दूध भी पीते हैं कि नहीं? एक तो आपने वो लबातत के मुतलक बताना है, और ये जनाब शैतानी खजैन जिल्द दोम सफा 99 के ऊपर लिखा है, सुरमा चश्मा आर्या, इसके बाद तीन मोतबर और सिक्का और मोजद आदमी ने मेरे पास बयान किया कि हमने बचश्मे खुद चंद मर्दों को औरतों की तरह दूध देते देखा है। बल्कि एक ने इनमें से कहा कि अमीर अली नाम एक सैयद का लड़का हमारे गांव में यानी कादियान के अंदर अपने बाप के दूध से ही परवरिश पाया था, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। तो ये कादियानी मर्जई अपने बाप का भी खालस दूध पीते हैं, इसके मुतलक सर जरा। ये तो ड्रामेबाजी है, ये तो शब्दाबाजी है, जिस तरह आजकल मिदारी करते हैं ना, इस तरह के मिदारी हैं। इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, मिदारी मिदारी पुना इनका, जितना मर्जी आप इसमें जाएंगे ना, आपको इनमें मिदारी पुना बहुत ज्यादा नजर आएगा। अच्छा, एक हाँ जो मुरब्बी के बारे में आप बात कर रहे थे, आप देखें कि रब्बी कहते हैं यहूदी यहूदी। अपने आलम को। ठीक है, अच्छा, तलबीब में आपके किसी मुसलमान का तलबीब में कोई बड़ा मरकज है? नहीं है, इसराइल के अंदर नहीं है, नहीं है। कादियानियों का क्यों है? कादियानियों ठीक का है, दुनिया का सबसे बड़ा मरकज उधर है। मुसलमान मुल्क
पाकिस्तान से इनको निकाला गया तो पनाह कहाँ ली? सऊदीया में पनाह नहीं मिली थी इनको, इनको लीबिया में पनाह नहीं मिली थी, इनको 52 मुल्क हैं इस्लामी, किसी में पनाह नहीं मिली थी। इनको पनाह दी सिर्फ ईसाई ने, यहूदी ने, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग कुछ मानते हैं उनको तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक ऐसा, है, जब वो कहते, इनको पनाह वहीं पे मिलती है। बिल्कुल ठीक ऐसा है, जाके इनके बड़े जाके पैर पकड़ रहे हैं क्लिंटन के, वो भी वीडियो सामने है, पैर पकड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी वीडियो सामने है। यार इनको इस्लाम के लिए इनको सिर्फ यही याद आ रहे हैं, हमसे ये अच्छा भागते। फरहान साहब, एक चंदे के बारे में थोड़ा सा बता दें, ये चंदे का क्या ड्रामा है? लोगों को ये इतना महंगाई का वैसे ही दौर दौर है, और मेरा एक मिर्जा मजमून मसरूर जो है वो उसकी वो जनाब ऑफशोर कंपनियां भी वो सामने आई हैं, और वो लैंडलॉर्ड जिंदगी गुजार रहा है, और खुद ये सर, ये तो रॉयल फैमिली है, ये तो रॉयल फैमिली है, ये आप इस जैसी रॉयल फैमिली पूरी दुनिया में नहीं साबित कर सकते। ऑफशोर कंपनियां तो छोड़ दें, जो शोर कंपनियां है ना वो ही इनकी इतनी ज्यादा है कि इन्होंने इस वक्त पूरे इस्लामी दुनिया में अपने पंजे गाड़े हुए हैं। अच्छा आप शेजान को देख ले, आप अहमद को देख ले, आप ओसीएस को देख ले, आप जनरल मोटर्स को देख ले, आप मॉडर्न मोटर्स को देख ले, क्या क्या गिनवाएंगे हम? बिल्कुल ऐसे जितनी बिल्कुल बड़ी कंपनियां हैं वो इनके पास हैं। ठीक है, ये इन्होंने पंजे गाड़े हुए हैं। सूदी निजाम सख्त मन है, मेरे सगे मामू हैं ये टेंच बाटा में, पिंडी के टेंच बाटा में वो सूदी कारोबार कर रहे थे। इस्लाम में तो सख्त मन है, अल्लाह ताला से जंग है। उनके जितने बैंक अकाउंट हैं सूद बैंकों में है या जिसमें भी है, मिर्जा मसरूर के भी अकाउंट है, क्या वो सूदी कारोबार नहीं है? और ये कैसा, बिल्कुल ठीक मुझे तो है, ये समझ नहीं आती, आप मुझे ये बताएं कि ये कैसी खिलाफत है जिसका कोई मुल्क ही नहीं है? आपने दुनिया में कोई खिलाफत ऐसी सुनी है जिसका कोई मुल्क ही नहीं है और खिलाफत भी खिलाफत भी है ऐसे ही है। है? ये आप देखे ना कि खिलाफत, कोई खिलाफत मुल्क के बगैर होती है? अच्छा एक बात जरा मुझे आप बता दें कि जनाब ये जो क्या इसका नाम है कादियानियत मर्जियत, ये जो एक बड़ी चीज मशहूर है कि कन्वर्ट करने के लिए पैसा भी दिखाते हैं, बच्ची भी का रिश्ता भी देते हैं, बाहर के टिकट वगैरह भी वो बांटते हैं, इसकी कितनी हकीकत है या इसका कोई सबूत प्रूफ कोई आप सर इसके बारे में? मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखिए सबसे क्लियर बात जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि कई लोग ना अपने नंबर बनाने के लिए, तो किसी को झूठा साबित करने के लिए कई लोग झूठ भी बोल देते हैं, जिसपे हम जैसे कई मुरीद ऐसे होते हैं जो अपने पीरों पे बड़ी जल्दी यकीन कर लेते हैं। देखिए ये इस तरह नहीं है जिस तरह ये बताया जा रहा है, वो देखते हैं कि आप में से कौन उनके काबिल है, अच्छा वो देखते ये हैं कि वो काबिल कौन है, यानी कि जो बंदा उनकी तबलीग सही तरीके से कर सकता है, जो उनके लिए काबिल बंदा है ना, उस पर नवाजशात की बरसात कर देते हैं, वो जन्नत में आ जाता है दुनिया में रहते हुए। लेकिन हर ऐरे गैरे के लिए नहीं ये करते। तो वैसे तो ये एक बात है कि कई इंटरव्यूज मैंने लिए हैं हमारे सबका चैनल के ऊपर, तो बहुत इंटरव्यूज थे, तो अक्सरों बेशतर एक्स कादियानी ने इस चीज का इत्तफाक किया और उनके उन्होंने सबूत भी दिए, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि एक बहुत बड़े मुरब्बी वो अभी भी माशाल्लाह अल्लाह उनको हयाती दे, बात इस्लामाबाद ही में कर रहे हैं मौजूद जरा, है, मैं बात कर रहा हूँ कहीं दूर चले, इस्लामाबाद आप में बात मौजूद, कर। तो मौजूद हैं, और उनका इंटरव्यू तकरीबन 10 हिस्सों के अंदर यूट्यूब पर मौजूद है, तकरीबन प्रोफेसर आठ दस मुनव्वर अहमद सालों मलिक, से जी प्रोफेसर मुनव्वर अहमद मलिक नहीं जी नहीं वो नहीं, जी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में आज से 10 साल पहले ये कह दिया था, उन्होंने कहा मैं इसी चीज के ऊपर मुतय्यन था कि लोगों को वरगलाया जाए, लोगों को बच्चियां दी जाए, लोगों को नौकरियों के झांसे दिए जाए, लोगों को बाहर के टिकटों के झांसे दिए जाए, वीजे फ्राहम किए जाए, पैसा दिया जाए, तो इनको किसी तरीके से इनको मर्जई बनाया जाए।
उन्होंने तो हाँ, कहा था तुरंत लेकिन ही। शर्त उनकी ये होती थी, बंदा वो इस्तेमाल करना है आपने, बंदा वो लेकर आना है जो आपके काम का हो। ये आपने, मैं नहीं आपको ना, एक छोटी सी मिसाल वो देता हूँ। फजूल बंदे पर तो नहीं ना अपना जाल फेंकेंगे, वो तो इनका खाम का हाँ, हो मैं गई तो आपको एक मिसाल फेंकेंगे। देता हूँ। ये जिस तरह गोल्डन आईज की एक कंपनी थी, गोल्डन कीज की, और ये एमएम मोटरसाइकिल की कंपनी थी, यानी एक बंदे को शामिल करते थे, उस बंदे को कहते थे कि आप 5 बंदे लेकर आओ, आपको एक मोटरसाइकिल मिल जाएगी। इस तरह ये इनका सेम इसी तरह का कंपनियों का हिसाब है, कंपनी वाला हिसाब है इनका। ये होता है कि आप इतने बंदे लेकर आओगे तो इसका आपको भी इतना मुनाफा मिलेगा। अच्छा यहाँ फरहान साहब, मैं एक अपनी आप बीती बता देता हूँ ना, सबका लोग हम मुझे जी जानते हैं, हमारे सबका चैनल्स के ऊपर भी इस चीज की शहादत मौजूद थी। फेसबुक के ऊपर हमारा ग्रुप होता था, कादियानी मुनाजरा ग्रुप, तो उधर एक जी लड़की होती थी मरियम समर की नाम की, मरियम जी जी समर कादियानी मुरबिया थी लजना। उसके साथ हमारी एक अरसे तक डिबेट चलती रही चलती रही चलती रही। एक वक्त ऐसा आया कि उसने मुझे पर्सनल के अंदर आके ये दावत दी थी, और ये दावत उसने दी के सर, मैं आप तेरे जैसे बंदे को, आप जैसे बंदे हाँ को तो पूरी दुआ दावत देगी हाँ सर। उसने कहा आप तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो सरमाया है मुसलमानों का। आप जैसे बंदे को उसने तो दावत देने का उनका हक बनता है। उसने मुझे पर्सनल के अंदर जनाब डोरे डाले। उसने कहा मैं तेरे साथ विवाह करती हूँ, तू सिर्फ कादियानियत कबूल कर ले। उसको मैंने फिर नंगा कर दिया, वो हाईलाइट कर दिया, वो नंगा से मतलब ये नहीं कि शलवार उतारी, अल्लाह माफ करे, मैंने तो उसके करीब भी नहीं गया। मुराद ये कि उसको वो सारी खबर को हाईलाइट कर दिया लोगों के सामने कि ये बिल्कुल देख लो ये। उस वक्त के बाद वो सोशल मीडिया छोड़ गई। हालांकि मुझे याद पड़ता है डॉन न्यूज के अंदर उसके वो छपते होते थे आर्टिकल्स, और बड़ी खिलाड़ी लड़की थी, तो उसके बाद वो तो गालबन सोशल मीडिया ही छोड़ गई थी, भाग गई थी। तो ये तो मेरी आप बीती है, मेरी आप बीती है। फिर एक मरतबा ये भी हुआ कि 2 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की मुझे मुरब्बी ने कादियानी ने ऑफर की, वो भी मैंने हाईलाइट कर दिया सबूत के साथ। मैंने कहा ये देखिए, वो कह रहा है कि बस इतना ले लो सबूत तो साढ़ी के जान बच साथ, जाए। 1 करोड़ की मुझे ऑफर थी कि आप ऐलान ना करें, रहे जहां मर्जी, ऐलान ना करें। ये तो मेरे मौलाना बाप ने कहा शाह था, नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को भी हुई थी, वो जब केस दायर किया था मेरे इन्होंने बाप ने कहा समझ। था, तमाम मकान में तुम्हारे नाम रहने देता हूं, तमाम जायदाद तुम लोगों के नाम रहने देता हूं, ऐलान ना करो, रहो जिस तरह मर्जी। अच्छा, ठीक लेकिन है। हमें कबूल नहीं था ऐलान के बगैर। अच्छा ऐसा है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शादबाद रखे। फरहान साहब हमने दोबारा आना है इसी चैनल पर, दोबारा आएंगे। मैं आज रात तक मैं अपना मोबाइल पर सेटअप सही करता हूं, सेटअप सही बिल्कुल करके मैं आज रात तक अपना मोबाइल ऑन करता हूं। बिल्कुल, एक तो बात, दूसरी बात, अल्लाह आपको तौफीक दे, हिम्मत दे, इन जिनके घर आप तशरीफ लाए हैं इनको आप तबलीग करें, इनको समझाएं, इनके दिल दिमाग की खिड़कियां खोलें, इनको असल आईना दिखाएं। और अगर मेरी ये किताब आपके पास है तो ठीक, नहीं तो अभी मैं पीडीएफ इसकी आपको सेंड करता हूँ, और पीडीएफ वही खोल के इनको हवाले सारे हैं वो दिखाएं इनको, इनको कि ये देखो मरने बिल्कुल हो ये, तो मैं आपको सेंड करता हूँ। इनको आप तबलीग करिए प्यार मोहब्बत से, इनको क्या समझाएं, आंखें खोलने जन्नत में चले जाओगे। तो आप दोबारा आएंगे, वापस आएंगे, आपके पास भी वक्त कम है, तो हमारे पास तो बड़ा ही वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी हमने वक्फ की है खत्मे सर, नबूवत के वक्त है, नाम पर, हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी इसके लिए। और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और इससे अल्लाह बड़ी बात क्या होगी, आप सोचे, इस छोटी सी बात कुछ सोचे, इससे बड़ी बात क्या होगी। अबू जहल, हसब नसब अच्छा, खानदान अच्छा, करबत नबी पाक सल्लम से अच्छी, अल्लाह ने अकल नहीं दी। मेरा कुछ भी ओहो, अच्छा नहीं है, अल्लाह ने मुझे अकल दे दी। बस यही है। मैं आपको बताऊं इधर फरहान साहब, अकलें जब मतें बज जाती है ना, ये देखिए मिर्जा जूनियर जेल में आजकल उठा है एक बंदा, वो भी ढांचा वो ही, तबलीग वो ही, वो तर्जुमा ये बयान भाग गया, करता है। ये भाग सुनिए गया मेरे सुनिए, मुकाबले में, भाग हाँ तर्जुमे गया मेरे तफसीरें सारी मुकाबले कादियानी मरजइयों की बयान करते, लोगों को पता ही नहीं है जनाब। वो तो सर, मैं भाग बता दूं, गया मैं मेरे कहता हूँ मुकाबले अल्लाह में। के बंदो आंखें खोलो, तुम्हारी मतें बज गई हैं, ये कादियानी मरजइयों के अकायदों नजरियात को फरोग दे रहा है, तुम्हें पता ही कोई कख नहीं है। तो बस भाग गया मत मेरे मत बज गई मुकाबले है, मत बज जाए तो फिर ऐसा ही होता है।
तो इसके पीछे भी मेरे क्या मुकाबले में भाग गया वो, मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं दे पाया। ऐसे ही है, ऐसे ही। जजाकअल्लाह फरहान साहब, रब रखा, अल्लाह आप आपको सलामत रखे, फिर लोगों मिलेंगे को इंशाल्लाह, दोबारा आएंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत आपको रखे जी। ईद मिलाद उन नबी मेरी तरफ से मुबारक हो। बहुत बहुत खैर मुबारक, बहुत बहुत खैर मुबारक। ठीक है जजाकअल्लाह, जी, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम हाफिज। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। फरहान साहब का भी बहुत शुक्रिया, इस नौ मुस्लिम एक्स कादियानी की गुफ्तगू आपने समाप्त की। ये तो वो लोग हैं जो दूध के धुले हैं, क्योंकि सबका मजहब को जब छोड़ा है तो सारे गुनाह तो धुल गए, अब तो जिंदगी और दीन और ईमान तो नया शुरू हुआ है ना। ये तो वो लोग हैं, मुकद्दस लोग हैं ये लोग। अल्लाह के नजदीक इनके मकाम कितने हैं, अल्लाहु अकबर। ये जो कादियानी मर्ज़े अभी हमें सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, अल्लाह उनको भी तौफीक अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, समझें सोचें, कोई जबरदस्ती नहीं, पढ़ें। हम आपको ये कहते हैं अपनी किताबें पढ़ें, हमारी किताबों के साथ अपनी किताबें पढ़ें, ये असल हवाले, हर चीज असल मौजूद है। ये ना हो कि तुम अपने बाबे बुजुर्गों वडेरों के साथ ही, मिर्जे कादियानी, मिर्जे सीनियर, मिर्जा जूनियर के साथ ही जन्म के अंदर चले जाओ। ये बड़े छोटे मिर्जे के हवारियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपने अपने मिर्जों के ऊपर गौर कर लो, नहीं तो तुम सारे मर्जा ही ना एक लाइन में जन्म में जाओगे, मैं तुम्हें बता दूं। हमारा काम है बताना, तो इतना ही बस हमारे ऊपर, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ऊपर सिर्फ पहुंचाना है, दिलों के फेरने वाली जात अल्लाह पाक की। तो बहुत शुक्रिया, दुआ को रहिएगा हमारे चैनल को, अगर तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप वो फिर वीडियो को ज्वाइन कर सकें। कई लोग कहते हैं शाह जी पता ही नहीं चलता, तो आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, वो 3 घंटियां आती हैं जो ऊपर वाली होती है ना, उस पर क्लिक करना है, ऑल नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाएंगे। ये कादियानी मर्दई कह रहा है जन्नत तेरी माँ की है। हाँ मेरी माँ की है जन्नत, मेरी माँ की है, मेरे बाप की जन्नत है। हाँ जी जन्नत मेरी माँ की भी है, मेरे बाप की भी है, करो गल आगे बताओ। तो बहरहाल यही है कि मिर्जा खंजीर तो जन्नत में जाना है, बड़ा मिर्जा और छोटा मिर्जा, तो इन खंजीरों ने तो जाना है जन्नत में, तो तुम सब लोगों ने बेटा पीछे पीछे जा रहे हैं। ये बता, मैं सैयद हूं और मेरी माँ फातिमा, मेरा बाप अली, हसन हुसैन, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका, तो ये हमारे बाप हैं, तो इनकी जन्नत है, तो ये जन्नत के सरदार हैं, ये मेरे बाप और मेरी माँ की ये जन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, रब रखा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।